हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिकली सेट विजिट में। दोस्तों, जब भी हम अपने मकान की छत भरवाते हैं तो जितना ज़रूरी दोस्तों हम छत का सरिया मानते हैं, उससे उतना ही ज़रूरी हमारा जो आउटर साइड लगी हुई होती है किसी भी मकान के अंदर, चाहे वो होटल की हो या किसी भी मकान की छत की सेटिंग हो, आउटर साइड बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, मैं आपको आज की वीडियो के अंदर, अधिकतर हम जो मकान मालिक होते हैं वो किस तरह की गलती करते हैं आउटर साइड लगवाने में, और दोस्तों दूसरी चीज़ मैं ये बताऊंगा आपको कि इसको किस तरीके से सही करवाना है। अब अधिकतर आपने देखा होगा जो भी मकान की आउटर साइड होती है, ये देख सकते हैं आप, ये जो आउटर साइड लगी हुई होती है अधिकतर मकानों में यही होता है दोस्तों कि अपने हिसाब से मकान की सेटरिंग लगा देते हैं, आउटर साइड लगा देते हैं, किसी तरह की कोई लाइन डोरी नहीं होती उसमें, किसी तरह का कोई कर्व लॉक मेंटेन नहीं होता, कोई इसी तरह का कोई नाप नहीं होता, सिर्फ जैसे कवर मिलता है, जैसे छज्जे में दिखाया जाता है उसी तरीके से मकान की आउटर साइड लगा के दोस्तों उसको फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन ये बहुत गलत तरीका होता है। इससे दिक्कत क्या होती है दोस्तों, दिक्कत ये होती है कि जब भी हम दीवारें बनवाते हैं तो बीम हमारी जा रही है किस जगह पर और दीवार आ रही है किस जगह पर, अधिकतर दो दो तीन तीन इंची का फ़र्क आ जाता है। या तो बीम की साइड जो होती है वो बीम की साइड फूल जाती है, या फिर बीम की जो साइड फूलने के बाद में उसमें चीजलिंग होती है, उसकी कटाई होती है, कटाई में आपका मेंटेनेंस का पैसा खर्चा होता है। हालांकि अगर विट मेटल ठेकेदार लेता है तो विट मेटल उसकी जिम्मेदारी लेती है, लेकिन दोस्तों अगर आप खुद अपने तरफ से इस तरह का ध्यान नहीं रखोगे दोस्तों, मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि आपको इससे सचेत करवाना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मकान में आउटर साइड जितनी ज़रूरी चीज़ होती है जो आपके मकान की लुकिंग के लिए, आपके मकान की मजबूती के लिए, और आगे जाके आपको जब भी आप ईंटों की दीवार बनवाते हो तो बिल्कुल उसकी परफेक्ट तरीके से मिले, इस चीज़ के लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब गलतियाँ मैंने बताई है दोस्तों कि अधिकतर ठेकेदार क्या गलतियाँ करते हैं। तो जब भी आप अपने मकान में आउटर साइड लगवा रहे हो तो मैं जिस तरीके को आपको बताने जा रहा हूँ, दो तीन तरीके मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, उस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। एक तो जब भी आप आउटर की सेटिंग लगवाते हो, जो भी आप आउटर्स की सेटिंग आप देख सकते हैं, जो भी आप सेटिंग लगवाते हो, सबसे पहले अगर उसका जो बॉटम होता है, ये देख सकते हैं जो नीचे जो बॉटम लगा हुआ है, अगर आप उस पूरे बॉटम को लाइन में लगा देते हो, अगर ये पूरा बॉटम जो होता है अगर आपका लाइन में लगा हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। उसके बाद में जो भी आपकी छत की सेटरिंग उसके ऊपर लगेगी, जो भी आपकी आउटर साइड उस पर लगेगी, वो ऑटोमेटिक लाइन में ही रहेगी। तो सबसे पहले आपको कोशिश ये करनी है कि जो भी आप आउटर का बॉटम लगवाते हो, सबसे पहले बॉटम लगता है उसके ऊपर साइड कड़ी होती है, तो आप बॉटम को पहले, सबसे पहला काम तो ये करवाइए कि बॉटम को लाइन में करवाइए, उसका नाप भी करिए, और उसके बाद में उस बॉटम को लाइन में ले लीजिए। लाइन में लेने के बाद में दोस्तों दूसरी चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जब भी आउटर की सेटिंग लगाओ, सेटिंग लगाने से पहले उसका कवर ब्लॉक और उसकी लाइन डोरी, ये दो चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। एक कवर ब्लॉक अगर लग जाता है, ये देख सकते हैं आप जो कवर ब्लॉक लगा हुआ है, मैं आपको आगे जाके और बता देता हूँ, अगर कवर ब्लॉक और लाइन डोरी में है, और लाइन डोरी भी आपको कौन सी यूज़ करनी है दोस्तों, बेंडिंग वायर जो होता है, जो कि हम सरिया बांधने में उपयोग करते हैं, उसी तरह के बेंडिंग वायर को आपको लाइन डोरी में उपयोग करना है, जिससे आपकी लाइन जो होती है वो बहुत अच्छी दिखेगी। ये देख सकते हैं, ये देखिए, इस तरह के कवर ब्लॉक लगाने के बाद में उस पूरे की लाइन करा लीजिए दोस्तों। लाइन कराने से ये होता है कि जो भी हम अधिकतर हम दीवार के हिसाब से ही बॉटम की जो सेटरिंग होती है वो लगवाते हैं, कि नीचे का जो दीवार, अगर दीवार के हिसाब से ही हम बीम बनवाते हैं तो दीवार के हिसाब से ही हम बॉटम की सेटरिंग भी हम दीवार के हिसाब से लगाएंगे। अब जब भी दीवार बनाते हैं तो उसका सावल लेके, और उसकी जब हम नीचे उसकी दीवार खड़ी करते हैं तो वो दीवार से पूरी आउटर से मैच हो जाए, आउटर हमेशा बराबर रहना चाहिए, आउटर में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, आगे पीछे हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए दीवार के हिसाब से हम आउटर को बनवाते हैं। तो इसी चीज़ के लिए आप आउटर की जो साइड होती हैं, आउटर की साइडों को भी विशेष रूप से बराबर करवाइए, ठीक है दोस्तों। तो पहला काम आप ये करवाइए कि बॉटम को लाइन में करवाइए, दूसरी चीज़ आप करवाइए कि जो भी कवर ब्लॉक और उसके बाद में लाइन डोरी, ठीक है दोस्तों। और तीसरी चीज़ ये होती है ज़रूरी कि इसमें जब भी वाइब्रेटर चलता है तो वाइब्रेटर चलने से साइड फूलती है, तो इस चीज़ के लिए आप ये देख सकते हैं जो बेंडिंग वायर बंधा हुआ है दोस्तों, इसे तान कहा जाता है कंस्ट्रक्शन लैंग्वेज में, एक कील ठुकवाइए और इस कील से उसको बेंड करवाइए। इससे क्या होता है कि जब भी वाइब्रेटर चलेगा, वाइब्रेटर से जलने से ये साइड फूलेगी नहीं, अपनी जगह पर व्यवस्थित बनी रहेगी, ठीक है दोस्तों। ये होता है तीसरा तरीका। अब चौथा तरीका आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी खड़ी साइड करवाते हो वर्टिकल, तो उसे कम से कम 5 से 7 mm उसको झुका के रखिए दोस्तों। झुकाने से ये होता है कि जब भी इस पर वाइब्रेटर चलेगा, वाइब्रेटर चलने के बाद में साइड फूलती है तो वो अपनी जगह पर आ जाएगी। मान के चलिए अगर 230 mm की 9 इंची की साइड है तो उसे 8.5 इंची, या फिर अगर 230 mm की मैं अगर बात करूँ तो दोस्तों
230 mm की अगर मैं बात करूँ तो 225 mm की आप साइड को करवाइए, जिससे अगर आप साइड फूल भी जाती है तो साइड फूलने के बाद में अपनी जगह पे व्यवस्थित। तो अगर 230 mm की है तो उसको कम से कम आप जो नाप होता है, अगर मान के चलिए बीम की साइड का नाप 230 mm का है, तो उससे आप 225 का नाप आपको मिलना चाहिए। 5 mm आपकी जो साइड है वो 5 mm आपकी झुकी भी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ होती है आउटर साइडों के अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अधिकतर लोगों को मैंने देखता है आउटर साइड पर कोई ध्यान नहीं देता दोस्तों, जिससे क्या होता है कि जब भी दीवार बनाते हैं तो बीम पता नहीं किस जगह पर चल जाती है, 2 इंची बाहर चल जाती है, तो उसको तोड़वाना पड़ता है और मेंटेनेंस का खर्चा आपकी जेब से लगता है। तो उसी मेंटेनेंस के खर्चे को बचाने के लिए दोस्तों आज की वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपके मकान में वीडियो से हेल्प मिलती है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।